नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिशनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल, संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003, कार्यकारी समय 132 मिनट, भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को रिझाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी लक्ष्मी फरीदा जलाल और धर्म धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने की गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने की गायिका शान है। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित और अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब CBI अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है फेंकना। अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रियारे के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल, संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003, कार्यकारी समय 132 मिनट, भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहां पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब CBI अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सबको समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है। इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को रिझाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टर ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी फरीदा जलाल और धर्म धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोक नाथ की बेटी प्रिया शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहां पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी, करण के रूप में शर्वानी मुखर्जी, प्रिया आर्य के रूप में धर्मेंद्र, धर्म के रूप में सनी देओल, अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में फरीदा जलाल, लक्ष्मी के रूप में आलोक नाथ, सोमनाथ आर्य के रूप में नामिका, किरणे के रूप में शक्ति कपूर, देवराज के रूप में जॉनी लीवर, सैंड के रूप में नीलोफर, सोनिया के रूप में रोमाल अरोड़ा, निकी के रूप में गीत संगीत। संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है। इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। में सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब CBI अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रियारे के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहां पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निक्की शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रियारे के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब CBI अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रुमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है। इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को रिझाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टर ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान है। गाना नंबर चार ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिशनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल, संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003, कार्यकारी समय 132 मिनट, भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी फरीदा जलाल और धर्म धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गर्मा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोक नाथ की बेटी प्रिया शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहां पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी, करण के रूप में शर्वानी मुखर्जी, प्रिया आर्य के रूप में धर्मेंद्र, धर्म के रूप में सनी देओल, अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में फरीदा जलाल, लक्ष्मी के रूप में आलोक नाथ, सोमनाथ आर्य के रूप में नामिका, किरणे के रूप में शक्ति कपूर, देवराज के रूप में जॉनी लीवर, सैंड के रूप में नीलोफर, सोनिया के रूप में रोमाल अरोड़ा, निकी के रूप में गीत संगीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल, इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया, इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर 4 ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। में सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूंकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को रिझाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच को
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रियारे के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी
शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरणें हो सकती हैं, उसकी माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी माँ से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टर ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रिया आर्य के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रुमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर 1 कैसे कहूँ कि प्यार है। इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान है। गाना नंबर 4 ओ जमालो इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 कैसे कहूँ कि प्यार है 2 इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर 6 ओ मेरे किशन कन्हैया इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कैसे कहूँ कि प्यार है इस मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कैसे कहूँ कि प्यार है, कैसे कहूँ कि प्यार है 2003 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म है। इसमें अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र और फरीदा जलाल है। मिस सनी देओल एक अतिरिक्त कैमियो उपस्थिति में एक विशेष भूमिका भी है। फिल्म अनिल कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित और अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्मित था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। निर्देशन अनिल कुमार शर्मा द्वारा लिखित, समीर अरोड़ा द्वारा निर्मित, अर्जुन हिंगोरानी। अभिनय किया है अमित हिंगोरानी, शर्वानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, फरीदा जलाल। संगीत दिया है बिजू शाह। जारी करने की तारीख 9 मई 2003। कार्यकारी समय 132 मिनट। भाषा हिंदी। प्लॉट करण अमित हिंगोरानी, लक्ष्मी, फरीदा जलाल और धर्म, धर्मेंद्र का बेटा है। उनके पिता एक पेशेवर लुटेरे हैं, इसलिए उनकी मां ने करण और उनकी बहन किरणों को गरिमा में पालने के लिए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जब करण बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता के निशाचर रोमांच का समर्थन करता है और एक सफल चोर बन जाता है। कॉलेज में उन्हें अमीर सोमनाथ आर्य, आलोकनाथ की बेटी प्रिया, शर्वानी मुखर्जी प्यार हो जाता है। चूँकि वह एक चोर है, वह प्रिया को अपने प्यार के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हारता। हालांकि वह सैंडविच जॉनी लीवर का साथ देता है। उनके निष्ठावान मित्र प्रिया भी करण से प्यार करती है, लेकिन वह नहीं बताती क्योंकि वह शर्मीली है। बावजूद इसके कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त निकी शाली अरोड़ा उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, और जब सोनिया नीलोफर कॉलेज में शामिल होती है तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, जो बेहद खूबसूरत है और करने को ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि एक पार्टी में करण आखिरकार प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और वह बहुत खुश है। वह अपने पिता से कहता है कि हीरे की चोरी में उसका आखिरी काम होगा, क्योंकि वे इसमें से पैसा कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब सीबीआई अधिकारी अर्जुन सिंह सनी देओल ने घोषणा की कि वह करण को सिर्फ 10 दिनों में पकड़ लेगा। चोरी के दौरान अर्जुन सिंह आता है और धर्म को गोली मार दी जाती है और पकड़ा जाता है। उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लक्ष्मी और किरण हो सकती हैं, उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रिया, जबकि करण चला गया है, उसे भूल नहीं सकता। 1 साल बाद करण ने अपनी मां से मजाक किया और कहा कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन प्रिया को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाता है और उसे इस तरह वापस लेने का फैसला करता है। हालांकि वह प्रिया के पिता सोमनाथ आर्य के साथ नौकरी करती है और उससे फिर मिलती है। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और सोमनाथ चाहते हैं कि वे शादी कर लें। हालांकि यह पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वह प्रिया को समझने के लिए सगाई के दिन किसी तरह का पकना नाटक करता है कि वह वास्तव में सोनिया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे भूल जाएगा और प्यार से बाहर हो जाएगा ताकि किसी से बचा जा सके, क्योंकि उसकी बीमारी आखिरकार उसे मार डालेगी। करण सोमनाथ को सच्चाई मिलती है और उससे उसकी बहन किरण की शादी करने के लिए मदद मांगती है ताकि जब वह अंत में मर जाए तो उसे प्रदान किया जाए। सोमनाथ ने खुलासा किया कि देवराज शक्ति कपूर ने अपनी पूरी कंपनी को फरौती दी थी, जो स्वयं एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ठाकुर से खतरे में थे। सोमनाथ करण से देवराज की तिजोरी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने में मदद करने के लिए कहता है। बदले में वह सुनिश्चित करेगा कि किरणों की शादी हो गई है। देवराज की हत्या के लिए अगले दिन गिरफ्तारी होने के लिए सहमति हो जाती है और दस्तावेज चुरा लेता है। लक्ष्मी फिर से एक महिला टूट गई, लेकिन सैंडविच हो जा
को जो जानता है कि करण परिवार को बचाने के लिए जो वह उसे सब कुछ समझाता है। सोनिया प्रिया को यह भी समझाती है कि करण ने उन्हें क्यों छोड़ा। प्रिया करण से बात करने के लिए जेल जा जाती है और कुछ उदारों के बाद चीज़ों को नियंत्रित करने से बाहर हो जाती है और वह सितारों से गिर जाती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। करण ब्लड ग्रुप एक ही होता है और उसका डोनेशन मांगा जाता है, जहाँ पता चलता है कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित नहीं है। जेल में उसे पता चलता है कि असली अपराधी अभी भी बाहर है, लेकिन उसने देवराज को क्यों मारा और डॉक्टरों ने उससे झूठ क्यों बोला। अर्जुन सिंह की मदद से विवरण के लिए एक जेल से बाहर आता है। फेंकना अमित हिंगोरानी करण के रूप में, शर्वानी मुखर्जी प्रियारे के रूप में, धर्मेंद्र धर्म के रूप में, सनी देओल अर्जुन सिंह विशेष उपस्थिति के रूप में, फरीदा जलाल लक्ष्मी के रूप में, आलोक नाथ सोमनाथ आर्य के रूप में, नामिका किरणे के रूप में, शक्ति कपूर देवराज के रूप में, जॉनी लीवर सैंड के रूप में, नीलोफर सोनिया के रूप में, रोमाल अरोड़ा निकी के रूप में। गीत संगीत संगीत बीजू शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। गाना नंबर एक कैसे कहूँ कि प्यार है, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। दिली दिल इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। ले गया इस गाने के गायकार शान हैं। गाना नंबर चार ओ जमालो, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच कैसे कहूँ कि प्यार है दो, इस गाने के गायकार उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति हैं। गाना नंबर छः ओ मेरे किशन कन्हैया, इस गाने के गायकार सुखविंदर सिंह हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।